बाहर नहीं चलेंगे। आजा आजा निकलते व्हील सिलेंडर जाम देख लॉक ले पीछे भी देख ये टर्न मार ये साइड पॉज कर ठीक है पिन जाम हो गए ले ऊपर से अभी थोड़ा पॉज कर। हेलो फ्रेंड्स वी आर नाउ माय चैनल एडवांस स्टेज दिस इज मिस्टर अबू खान इज द स्पेशल मैकेनिक नाउ ही रिपेयरिंग द पजीरो स्पोर्ट 4x4 और फ्रंट शेक को फ्रंट लेफ्ट लेफ्ट साइड दिस जाम नाउ वी ओपनिंग द ब्रेक कैलिपर द ब्रेक कैलिपर द ब्रेक पैड आर ओके नाउ वी आर रिमूविंग द कैलिपर बिकॉज द डिस इज जाम व्हेन वी यूजिंग द व्हीकल दिस आर जाम द व्हीकल मूविंग सो हार्ड ए इसको चाहिए ना बड़ा दिस इज टू बोल्ट्स पिन बोल्ट्स नाउ वी रिमूविंग द कैलिपर इनसाइड द कैलिपर द देर इज द ब्रेक पैड दिस इज टू जाम कैलिपर फुल जाम टू जाम दिस इज All rusty. Too rusty. See this. The cylinders are too rusty. This is the piston, which are the see this. All seals are not gone, but the piston are too jammed. See the brake pad. The pad have too much rust. ये वाला जो piston है ऊपर का ये बहुत जाम है तो अभी हम C clamp लगा कर इसे लॉक करेंगे यानी नीचे वाले पिस्टन को फिर ऊपर वाले पिस्टन को ब्रेक पैंडल दबाएंगे तो ये पिस्टन बाहर आएंगा के देखेंगे अगर तभी भी नहीं आया तो कैलिपर निकाल के ओवरऑल करना पड़ेगा। ओके इस्त्री पंप करो ये पजीरो का है। हाँ हाँ बस 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 जरा सा बस 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 अब हुआ ना फिर वो खत्म ना क्या बोल तो लॉन्ग प्लेयर बोलना करो पंप करो करो बस छोड़ो ऐसा 2 or 3 टाइम करेंगे तो ये फ्री हो जाएगा। अब हम इसको सी क्लैंप लगाएंगे बस पॉज कर दे अभी हम क्लैंप लगाएंगे ताकि बिना सील खोले वर्किंग हो जाए। क्या रहना अंदर हो गया फ्री हम फिर से सी क्लैंप निकालेंगे और नीचे लगाएंगे ऊपर पिस्टन अंदर बाहर करेंगे पकड़ो कैलिपर बंद कर दो नहीं हो गया ना फिर अभी करेंगे ना अंदर बार करो करो मिस्त्री अंदर बार करो करो
करो बस। तो वहाँ से जाके मिस्त्री का निकल निकलता है, ब्रेक पंप कर रहे हो निकल। तो ब्रेक पंप कर रहे बोलना मुँह से, अभी बोलना वापिस ब्रेक पंप करके फ्री कर रहे हम। ये है हमारे मिस्त्री, ये मिस्त्री अभी यहाँ से ब्रेक पैंडल को पंप कर रहे हैं और वहाँ से पिस्टन जो है कैलिपर का बाहर आ रहा है। अभी मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। ये देख लो, ये पजीरो ही है। ये हमारे मिस्त्री साहब बड़े वाले, पंप करो। आसन में फ्री हो गया बिना सील खोले, बस फिर से हम ट्विस्ट करके दिखाएंगे फ्री हो गया करके। देखो ये ऐसा 3 or 4 टाइम करना पड़ता है जिसकी वजह से हम पिस्टन को फ्री कर सकते हैं बिना सील खोले, बिना सील खोले, बिना लीकेज के। ऐसा कम करो चाहिए। देखेगा अंतनी बाबू कि नहीं, मस्त एकदम। बस बस इतना आसानी से अभी जितना, ये देखो ठीक है क्या, ये देखो कैसा जा रहा, देखो अभी ऊपर बोल जा रहा। पंप करो बस हो गया, अब हम फिट करेंगे। हाँ करो बस बस। रबर देखो कैसा है, हाँ मालूम हो, ट्विस्ट होता कुछ नहीं उसको, मस्त फिर हो गया वो। करो पंप, एक मिनट छोड़ पकड़ा इसे। करो पंप करो करो करो, समझे क्या कैसा करो। ये देखिए हम यहाँ से प्रेस कर रहे हैं, वो यहाँ से प्रेस कर रहे हैं, इसकी वजह से पिस्टन जो है फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है और उसकी वजह से जो रस्ट लग के पैक हो चुका है वो पूरा बाहर आ रहा है। फ्री हो गया, फ्री हो गया, देखो कितना फ्री हो गया। देखो करो पम, एकदम आसान चल रहा। यहाँ से हम दबा रहे, वहां से वो दबा रहे, जिसकी वजह से पिस्टन अंडर वायर कर रहा है। बस जैसा वर्क होना चाहिए वैसा वर्क हो रहा है। नीचे वाला पिस्टन कैसा क्लैंप से तो लॉक किया है। बस 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 हो गया। बस अब हम इंस्टॉल करेंगे, अभी हम क्लैंप निकाल देंगे, क्लैंप निकाल के हम इंस्टॉल करेंगे, कैलिपर प्रिंग बेस करेंगे। और ये पिन बोल्ट को हम कैलिबर पिन ग्रीस लगाएंगे और इनको इंस्टॉल करेंगे। बोल ग्रीस लाना हो, लगा। दिस इज द कैलिपर पिन ग्रीस, वी आर ग्रीसिंग इट ऑन द बोल्ट, दिस इज द पिन, नाउ वी ग्रीसिंग। द ग्रीस इज ओनली फॉर ओनली रेड कलर बिकॉज इट नॉट बी रस्टेड। हैवी टेम्परेचर ग्रीस है, हैवी टेम्परेचर ग्रीस, यस द कैलिपर टेम्परेचर व्हेन द ब्रेकिंग दैट कैली द ब्रेक पैड आर हीटेड, ब्रेक पैड बहुत हीट हो जाती है उसकी वजह से स्पेशल ग्रीस देना पड़ता। इसे कोई ऐसा बटाटा ग्रीस वगैरह मत लगाना अगर आप काम कर रहे हैं तो, इसे इसका कैलिपर ग्रीस ही लगाना। ब्लू कलर में आता है और एक TVS का आता है जो अभी हमने लगाया रेड कलर में। यह भी हो गया फिट, ब्रेक पैड तो इसके क्या अच्छे है, व्हील फिर रहा है। देखो व्हील कितना फ्रीली फिर रहा है, पहले व्हील तो फिर भी नहीं रहा था, देखिए कितना फ्रीली कर रहा है, हमारे मिस्त्री साहब ने कर दिया। टेक्निकिशियन, फुली टेक्निकिशियन है। मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस डालते रहूँगा मर्सिडीज वगैरह जैसे भी भारी भारी कार्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह के ऊपर, प्रीमियम कार्स के, प्रीमियम वगैरह सारे कार्स के ऊपर वीडियो डालते रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये मेरा 10वां वीडियो है, आप इसे लाइक और
शेयर ज़रूर करें। ये पजीरो है 4x4 2800 cc का इंजन है इसका। ये मैनुअल है पूरी 4x4 है। Now we assembling the wheel. The caliper is fitted properly. अभी हम पूरा फिट कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप आपकी गाड़ी का भी जो भी कोई डिस्ट है चारों व्हील्स में से कोई भी जो लॉक हो चुका है, आप ये वीडियो देखकर आसानी से बिना ऑयल वगैरह लीकेज करे अपने जो भी दोस्त वगैरह के साथ मिलकर ये ऐसा ट्रीटमेंट देके कैलिपर लूज कर सकते हैं फ्री। हाँ, पूरा पिस्टन वगैरह लूज कर सकते हैं। उसको ओवरऑल वगैरह करने की सील व्हील तोड़ने की कोई ज़रूरत। अभी व्हील हमने पूरा फिट कर दिए, देखिए पूरा डिस्क लूज हो गया। अभी हम गाड़ी को नीचे उतारेंगे। ये हमारे सेकंड मिस्त्री है, ये निकाल रहे हैं। मुदस्सिर निकालो नीचे। हाँ, वेरी गुड, हो गया। ये देखिए अभी हम टाइट करके इसको एक बार ट्रायल लेंगे कि कोई और दूसरे व्हील्स तो जाम नहीं है। अपनी गाड़ी के व्हील बहुत मजबूती से टाइट करें, टॉर्क वगैरह देखें, टॉर्क ब्रेंच वगैरह यूज ना करें, डायरेक्टली उसे बड़ा पाइप लगा के टाइट करें। देखिए ऐसा आवाज नहीं आना चाहिए ज्यादातर, वरना आपके स्टड भी टूट सकते हैं। सब गाड़ी का ऐसा ही प्रोसेस होता है, बट कैलिपर अलग अलग होते। हाँ देखिए कितना अच्छा चल रहा है गाड़ी। पजीरो का टेस्ट ड्राइव बहुत अच्छा है, डिस अभी सीज नहीं हो रहा है। ये 4x4 है, ये देखिए माशाल्लाह चल रही है गाड़ी। हाँ देखिए बहुत आराम से पिकअप वगैरह पकड़ के चल रही है। ओ ये देखिए इसका ग्रेविटी मीटर है, ये इसका एल्टीमीटर है, और ये इसका दूसरा कुछ थर्मोमीटर है। देखो किसा मॉन्स्टर के जैसा आ रहा है। ब्रेकिंग देखो, ब्रेकिंग अभी टायर सीज नहीं हो रहे। माशाल्लाह गाड़ी देख के वीडियो में वही डर रहा। कुछ तो है ना। फ्यू सामने फ्री हो गया गाइस। नीचे धुआं देख।